छवि कहां रहती। दूसरा थैंक यू इसलिए कि अगर आप ये सोच करके इस वीडियो को क्लिक किए हो कि जो थंबनेल में लिखा है वो सब होगा, यस 100% होगा, आपकी छुपी हुई गर्दन यानी कि आपकी जो गर्दन है ना, अगर एकदम से काली हो गई है, आपके नेक एकदम से काले हो गए हैं, तो उसकी परेशानी को ये जो है वो खत्म करने वाला है। फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक अगर आप कोई ढूंढ रहे थे और इसके लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है, क्योंकि आपकी इस परेशानी का भी सलूशन ये वीडियो लेकर के आया है। तीसरा, अगर ये सोच करके इस वीडियो को क्लिक किया कि भैया शादी पार्टी में जाना है, कोई एक ऐसा फेस पैक मिल जाए जो लगाऊं और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट दिखने लगे, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है, इसलिए थैंक यू। और इस वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर वीडियो आगे चल के अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। उसके लिए फिर से एक बार दिल से थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूं छवि। थैंक यू सो मच पूरे साल मेरे साथ इतना प्यार मोहब्बत के साथ रहने के लिए, मेरे वीडियो को भरपूर मात्रा में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, कम्युनिटी पोस्ट को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और अगर इसमें से आप नहीं हो, यानी कि आप मेरे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हो और मेरे कम्युनिटी में जहां मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ उसमें एक्टिव नहीं हो, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज से ही आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, मींस जब भी पोस्ट कुछ करती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, तो उसमें एक्टिव हो जाइए। और अगर अभी तक आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना नहीं शुरू किया तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, मींस बहुत अच्छे होते हैं, है ना? तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और एक बात और कहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर 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 करें। मेरे वीडियो को देखते हो तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। मान लो अगर आप लाइक करते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को इस टाइप के वीडियो पसंद है, तो मैं इसी टाइप के वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे लगता है भाई मैं किसके लिए बना रही हूँ, जब फैमिली को ही नहीं पसंद है तो मैं फिर क्यों बनाऊं। तो मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के फेस पैक के बारे में। तो आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ, सुपर से भी ऊपर वाला फेस पैक है, इंस्टेंट स्किन व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक है। आपके फुल बॉडी यानी कि सर से लेकर के पैर तक की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है। सिर्फ आपकी रंगत को निखारने वाला नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ये ना सोचे कि ये सिर्फ आपकी रंगत को निखारेगा, नहीं। अगर आपके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर की परेशानी है, अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है ना, यहाँ पे अगर आपको परेशानी है, तो इस पैक के रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने फेशियल हेयर की परेशानी से भी मुक्ति पालेंगे। अब कैसे पाएंगे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अगर अभी तक आपने एक बार भी वैक्सिंग नहीं कराया है, अपने फेस के ऊपर वैक्स नहीं कराया है, फेस के ऊपर आपने अभी तक एक बार भी रेजर या दिस डैट जो भी होता है ना, उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तब आप यकीन माने ये फेशियल, ये जो पैक है ना, आपके स्किन के ऊपर जादू वाला काम करने वाला है। यानी कि सिर्फ 15 दिन में आपके फेशियल हेयर है ना, बहुत 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 ज्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए, और क्योंकि आपके जो बाल है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, इजिली आपके बाल चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक उसमें कुछ भी कुछ भी किया नहीं है ना, तो बाल सॉफ्ट है। बट अगर आपने वैक्स टैक्स करा रखा है, थ्रेडिंग की थ्रेड की वजह से, यहाँ से थ्रेड से आपके बाल गए हैं, या फिर आपने अपर लिप्स कराया है, रेजर का यूज किया है, तो आपके जो बाल है थोड़े से हार्ड हो जाते हैं।
जब भी आपको रेजर यूज करते हो या फिर कुछ यूज करते हो ना, तो आपके बाल जो होते हैं निकलते थोड़े हार्ड निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भी ये काम करेगा, बट थोड़ा टाइम लेगा। अब मैजिक एक बार में नहीं हो जाएगा, बट जिनके अभी तक एकदम नाजुक हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया है, तो उनके लिए बहुत 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 बेहतरीन काम करने वाला है। अगर टीन्स, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 16-17 साल के हो या 20 साल के हो, और अगर अभी तक आपने फेशियल हेयर का एक बार भी कुछ भी नहीं कराया है, तो आपके लिए ये फेस पैक रामबाण होने वाला है। आपको हमेशा के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, एक बार अगर आपके फेशियल हेयर गए ना, तो आप यकीन माने फिर से दोबारा आपके फेशियल हेयर नहीं आने वाले हैं, और आप पूरी लाइफ, जैसे मैं फेशियल हेयर से एकदम से मतलब टेंशन नहीं है मुझे फेशियल हेयर का, वैसे ही आपको भी नहीं होने वाला है। तो इस फेस पैक का इस्तेमाल फुल बॉडी व्हाइटनिंग के साथ साथ आप फेशियल हेयर के ऊपर भी करने वाले हो। कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, छवि है आपको बताने के लिए, उसके टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगी, आप इसे अपने वीकनी एरिया, यानी कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में, जैसे अंडर आर्म्स हो गया, वीकनी एरिया में भी लगा सकते हो, बस हरते अगर आपके वीकनी एरिया पहले से क्लीन है तो। यानी कि अगर आपके वीकनी एरिया में हेयर है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, हेयर क्लीन करते हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्राइवेट पार्ट्स को व्हाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए, रंगत जरूर निखरेगी। बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत इजी है इसको लगाना। इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है आलू यानी पोटैटो। उसको अच्छे से आपका छिलका हटा देना है, उसके बाद उसको ग्रेटर में ग्रेट कर दो या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दो, एज यू विश। और उसके बाद उसका आपको जूस लेना है। अब पोटैटो क्या करता है आपकी स्किन को ब्लीचिंग, पोटैटो के अंदर होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जो आपकी स्किन को एकदम से ब्लीच कर देता है, आपकी रंगत को निखारता है। और अगर आपकी गर्दन काली है तो आपके काली गर्दन को भी ये सफ़ेद करता है, आपके स्किन को व्हाइटन बनाता है, ब्राइटन बनाता है और लाइटन बनाता है। तो पूरा एक आलू का मैं जूस ले ली हूँ। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड कर रही हूँ वो है लेमन यानी कि नींबू। और मैं क्या करूँगी, एक आलू यानी कि एक पोटैटो जूस, फुल वन पोटैटो जूस के अंदर मैं वन स्पून डालने वाली हूँ लेमन जूस, यानी वन स्पून नींबू का जूस। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसके जगह पे वन स्पून ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हो। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ आपको सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है और लाइटन करता है, आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करता है और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। एक बात का आप ध्यान रखें कि जो भी मैं आपको जितना क्वांटिटी में बता रही हूँ आप उसी क्वांटिटी में लोगे, यानी एक आलू के जूस के साथ, यानी वन पोटैटो जूस के साथ बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो भी हैं आपको जितना मैं बोल रही हूँ उतना लोगे। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी पाउडर, और वो मैं ऐड कर रही हूँ वन स्पून। कॉफ़ी के अंदर होता है कैफीन, जो आपकी स्किन को इंस्टेंट व्हाइटन करता है और ब्राइटन करता है और लाइटन भी करता है। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है वीट फ्लावर। ध्यान से सुने, सारे इंग्रेडिएंट आपने वन स्पून लिया है बट आपको वीट फ्लावर लेना है टू स्पून यानी दो चम्मच। ठीक है, मेरा थोड़ा थिक हो गया था तो मैं थोड़ा रोज़ वाटर ऐड की हूँ, आप चाहें स्किप करें और इसके जगह पे पोटैटो जूस ही थोड़ा और डाल दें। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है हनी, और हनी ऐड कर रही हूँ मैं वन स्पून। अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप हनी के जगह पे, सॉरी, आप हनी को स्किप कर सकते हो, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ आपको अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है और ये जो आपका पैक हो गया, बन के रेडी हो गया, कवर करके हाफ एन आवर छोड़ दें, और हाफ एन आवर के बाद आपका रेडी है पैक अपने फेस के ऊपर और फुल बॉडी में लगाने को। अब आपको क्या करना है, अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर, आपके फेस के ऊपर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर आपको लगाना है। मैं नेक में नहीं लगाई हूँ क्योंकि मेरे नेक के ऊपर क्रीम लगा हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आपको अपने पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर लगाना है। अंडर आई आपको नहीं लगाना है क्योंकि इसके अंदर है लेमन, जो अंडर आई लगाने के लिए उतना सही नहीं है क्योंकि लेमन लगाने का तरीका है अंडर आई, बट वो डिफरेंट वे में लगाया जाता है। पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर रखना है,
20 मिनट्स के बाद आपको देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे आपको फेशियल हेयर है तो साइड में आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ, हल्के हाथों से आपको नीचे से ऊपर की तरफ आपको अपने बाल को हटाना है। नीचे से ऊपर करने से ये होगा कि आपके फेशियल हेयर हट जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है, एकदम अच्छे से वॉश कर लेना है। उसका जो भी आपका फेवरेट क्रीम वगैरह है वो लगाना है, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आधा ज्ञान खतरे जान। तो आपने देख लिया कि इस पैक को बनाते कैसे हैं, आपने देख लिया कि इस पैक को लगाते कैसे हैं। अब मेन मुद्दे की बात करती हूँ, जो ये फेस पैक है, अगर आपके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर है तो, क्योंकि इसके अंदर हनी है तो हनी एकदम से आपके चेहरे को ड्राई नहीं होने देता है, ठीक है, एकदम से आप सोचोगे कि ड्राई नहीं होगा, लेकिन 20 मिनट तक आपको अपने फेस के ऊपर रखना है, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, नीचे से ये देख रहे हो ना, ये फेशियल हेयर यहां पर है, तो आप ऐसे करके, यूं करके, ये देख रहे हो ना, धीरे 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 आप ऐसे ऐसे यूं यूं कर करके आप क्या करोगे, दोनों तरफ से आप अपने पैक को हटा लोगे ऐसे करके। उससे क्या होगा, जो आपके फेशियल हेयर है ना, जो यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल है ना, वो आराम से उस पैक के अंदर ही निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे करके आप निकाल लेंगे और उसके बाद अपने पूरे फेस को आप वॉश करेंगे। पहले आपको ऐसे करके इस पार्ट से हेयर को ऐसे करके निकालना है, उसके बाद आपको अपने पूरे फेस को, जैसे आपको वॉश करना है ना, हल्का पहले फेस के ऊपर पानी डालें, उसके बाद हल्का हल्का हल्के हाथों से मसाज करें और फेस को वॉश करें, ठीक है, ये करना है आपको। लेकिन पहले इस पार्ट को क्लीन करना है आपको फिंगर से, उसके बाद ही आपको अपने फेस के ऊपर गीला करके आपको पानी लगाना है, क्लियर हो गया। जब आप फेस को वॉश करते हो उसके बाद, बहुत की जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो जब तक आपको यहां पर, क्योंकि आपके बाल निकले हैं ना, तो एक दो दाने आ जाए, वो दाने पिंपल्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपके बाल निकलते हैं ना तो आपको वो दाने दिखते हैं, तो घबराने की टेंशन नहीं है। एक आइस लोगे आप, उसको हैंकी के अंदर डालोगे, ठीक है, और उसके बाद अपने इस एरिया पे जहां पे आपके बाल थे उस एरिया पे हल्का रब करोगे। चाहे तो आप पूरे फेस के ऊपर रब कर सकते हो, बट इस एरिया में आप जरूर रब करोगे एक मिनट तक, और उसके बाद हल्का हल्का ऐसे ऐसे रब करोगे और उसके बाद छोड़ दोगे। जो भी आपका फेवरेट फेस क्रीम है उसका आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है, हो सकता है आइस रब करने में आपको परेशानी हो, तो आप क्या करोगे, हैंकी लोगे आप ठंडे पानी के अंदर डालोगे हैंकी को, और उसके बाद उसका पानी निचोड़ दोगे और उसके बाद अपने पूरे फेस के ऊपर एक मिनट तक रखोगे। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसको वीक में कितने बार लगाना है। अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा है और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन व्हाइटन हो जाए, आपकी स्किन ब्राइटन हो जाए, तो सबसे पहले फेशियल हेयर के बारे में बात करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा फेशियल हेयर है, तब आप इसको डेली लगाएंगे। स्टार्टिंग में 15 दिन आपको डेली लगाना है, 20 मिनट रखना है, फेस को वॉश कर लेना है। आफ्टर 15 डेज आपको हफ्ते में से 3 बार लगाना है। आफ्टर 15 डेज याद रखें, हफ्ते में 3 बार लगाना है। तब तक आपको लगाना है जब तक कि आपका फेशियल हेयर एकदम से खत्म ना हो जाए। एक महीने में मोस्टली खत्म हो जाएगा, बट फिर से स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बार से खत्म हो जाता है, फिर से आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को 100% जड़ से खत्म होने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। 5 से 6 महीने आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 बार लगाना है। उसके बाद आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इसे हफ्ते में 3 बार कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया ना। अब बात कर लेते हैं जिनकी रंगत कम है और उनको अपनी रंगत को निखारने के लिए क्या करना है। वीक में अगर 3 बार भी आप लगाते हो तो सफिशियंट है। वैसे आप इसे डेली भी लगा सकते हो, कोई खराबी नहीं करने वाला है, ठीक है। डेट में अगर आपकी उम्र 15 साल की हो गई है, आंख बंद करके इसको आप लगा सकते हो। प्रोसेस तो सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। इस पैक को बना करके स्टोर करके आप रख सकते हो आराम से फ्रिज के अंदर 5 डेज तक, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाली हूँ। आप सबके जो भी आप मुझे मीन्स डीएम करोगे, उन सबके क्वेश्चन का आप सबके रिप्लाई करने के लिए। इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि, मेरा पुणे ब्लॉगर चैनल है, सॉरी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है पुणे ब्लॉगर छवि, मेरा रिव्यू चैनल है छवि अश्विनी कुमार। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं।
आई होप मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया, वीडियो अच्छा लगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।